जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा MI A3 को मैं अपने लैपटॉप में कैसे कास्ट करूंगा, यानी कि इसके अंदर जो भी स्क्रीन को मैं लैपटॉप में शेयर करूंगा बहुत इजी और काफ़ी सिंपल मेथड में। तो वीडियो के साथ बने रहना। अगर आप लोग फ़ोन के अंदर कुछ चीज़ें सेव करके रखे हो, जैसे कोई गेम हो गया या कोई वीडियो वगैरह हो गया, या उसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो या देखना चाहते हो ऑनलाइन लैपटॉप के अंदर, या कोई प्रेजेंटेशन फिलहाल आप बना रखे हो तो उसको ऑफिस में आप लैपटॉप पे या कहीं भी जो जिसमें कैस्टिंग का ऑप्शन है तो वहाँ पर आपको बड़े आसानी से शेयर करके लोगों को दिखा सकते हो प्रेजेंटेशन करके। ये काफ़ी बढ़िया फीचर्स है। आप इसको यूज़ करने के लिए आपका जो PC या लैपटॉप है उसके अंदर विंडो 10 ऑप्शन होना चाहिए, ताकि ये काफ़ी फैसिलिटी दे सकते हो। और साथ में आपको MI A3 फ़ोन के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, छोटा सा वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तभी देखना, अदरवाइज आप यहीं से बैक कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करिए, और साथ में ये बेल बटन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन में क्लिक कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो अपने चैनल पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों यहाँ सबसे पहले आप लैपटॉप पे चले जाना है। यहाँ पे दोस्तों सर्च बॉक्स में आपको क्लिक करना है और लिखना है यहाँ पे कनेक्ट, CONNECT, कनेक्ट। लिखने के बाद यहाँ पे ये कनेक्ट ऑप्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके डेस्कटॉप मोड पर शो कर गया, तो इस टाइप का स्क्रीन आपके सामने हो जाएगा। फिर आप अपने फ़ोन के अंदर जाना है। सबसे पहले आपके फ़ोन का वाईफाई ऑन कर देना है। आपको वाईफाई ऑन करने के बाद फिर आपको थोड़ा सा नीचे क्लिक करना है। नीचे क्लिक करने के बाद एक आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन पैनल में कास्ट ऑप्शन, इसको लॉन्ग प्रेस कर देना है। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको ये ले जाएगा आपके फ़ोन के अंदर। यहाँ पे कास्ट ऑप्शन आता है, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे इनेबल वायरलेस डिस्प्ले, ये सेम मेथड में आप अपने घर में TV वगैरह होगा तो उसके साथ कनेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे डेस्कटॉप वाला नाम आ रहा है, ये जो नाम आ रहा है लिखा हुआ, और यहाँ पे भी वही सेम नाम आ रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा टैप कर देना है इसी के ऊपर। जैसे टैप करोगे तो आपका जो स्क्रीन है वहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी देर आप यहाँ पे देखिए MI A1 इज द प्रोजेक्ट, तो ठीक है, यहाँ पे आपका जो फोन का डिटेल है यहाँ पे आ चुका है। तो काफ़ी बढ़िया और मज़ेदार है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोन पे फोटो आ गया, डिटेल वगैरह जो भी मैं यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ। तो इस टाइप का आपके जो MI A3 का स्क्रीन जो है बड़े आसानी से शेयर हो जाएगा, तो आप शेयर करके जो भी कुछ चेक कर सकते हो प्ले कर। जैसे मैं दोस्तों MI A3 के अंदर आपको बहुत सारा फैसिलिटी देखने को मिलेगा, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो आने वाले टाइम में मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस ये था आज का वीडियो, मैं मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।